स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से गरीब लोगों के साथ भ्रष्टाचार का जो पूरा मामला है वो उजागर हुआ है और उनसे रोटी, उनका हक उनसे छीना जा रहा है। जी हाँ, तो रोटी पर भ्रष्टाचार की दीमक लग रही है। यहाँ पर गरीब लोग जो है वो भूखे पेट रात गुजार रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो उनका काला बाजार और जो धांधली है वो जोरों पर है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन यहाँ तो अनाज पर अपना नाम लिखा होने के बावजूद अपने हिस्से के अनाज पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, धूप में पसीना बहाना पड़ता है तो अधिकारियों के हाथ पैर तक जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीणों को अनाज नहीं मिल पाता। ये दास्ता करीब करीब प्रदेश के हर गांव की है। सरकार और ग्रामीणों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अधिकारियों को एक डोर माना जाता है, लेकिन इस डोर पर भ्रष्टाचार की दीमक लगती जा रही है, जिसका हर्जाना ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि जब गरीब का गुस्सा फूटता है तो क्या होता है। घरौंदा के मुड़ोगढ़ी के ग्रामीणों ने भी अब अपने हक के लिए आवाज उठाई है। खाद्य आपूर्ति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि डिपो होल्डर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा बिल के समान अनाज वितरण नहीं करते। कुछ ग्रामीणों को तो पिछले 6 सालों से अनाज तक नहीं दिया गया। अनाज के लिए ग्रामीणों को कागजी दस्तावेजों में उलझाया जाता है, अनाज खत्म होने का बहाना लगाया जाता है, डिपो होल्डर अनाज की कालाबाजारी करते हैं। बीपीएल का राशन कार्ड बनता है, राशन बनता है, वो गिने चुने आदमियों को देता है जी, पार्टी के हिसाब से जी, पार्टी के हिसाब से 5-7 आदमियों को देता है, बाकी किसी को नहीं देता। उसके पास जाते हैं, वो बोलता है कि भाई आपको तो आया ही नहीं अभी तक, आपने तो राशन कार्ड में ये कमी है, आपको तो कमी है, बाकी लोग परेशान हो गए जी गाँव किससे। कब से हो रही है ये परेशानी? परेशानी तो पिछले 5-4 सालों से हो रही जी, बाकी लोग आवाज नहीं ठहरते, आवाज नहीं ठहरते जी। वो एक आधा बोल लेता उसी भाई जी, पार्टी भाई जो सरपंच था उनका दबाव करवा देता जी। लेकिन डिपो होल्डर की इस मनमानी के खिलाफ अब ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया है और डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले पर अब डीसी साहब उचित कार्रवाई की बात कह रहे हैं। गाँव मुंडोगढ़ी से कुछ लोग जो है ना राशन लेने बारे होल्डर धर्मपाल की शिकायत लेकर आए थे। अच्छा जी। उन्होंने हमारे को खाद्य पूर्ति विभाग में जो है ना राशन ना मिलने बारे जो है ना शिकायत दर्ज की है, उसकी गांव में जाकर जो है जांच की जाएगी, अगर उसका दोष पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत में साल 1964 में खाद्य एवं आपूर्ति योजना की शुरुआत की गयी थी ताकि देश में कोई भूखा न सोए और गरीब तबके के लोगों को कम दामों पर अनाज मिल सके, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार का घुन अनाज की तरह हमारे सिस्टम को भी खोखला करता जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों के दबाव बनाने के बाद डीसी साहब कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले प्रशासन की नींद क्यों नहीं टूटी, क्यों ग्रामीणों के हंगामे के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। आखिर कब तक ग्रामीणों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, कब तक भ्रष्टाचार का घुन सिस्टम को खोखला करता रहेगा। घरौंदा से विवेक राणा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो अनाज पर काला बाजारी जो है यहाँ जोरों पर चल रही है। घरौंडा की आज हम बात कर रहे हैं, जो घरौंडा में डिपो होल्डर्स जो है गरीबों का हक छीन रहे हैं, उनकी रोटियां ले रहे हैं, अनाज उन्हें नहीं दिया जाता है। छह साल बीत चुके हैं जब से गरीब जो है वो प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, उनका हक डिपो होल्डर्स छीन रहे हैं, अधिकारी जो है वो काला बाजारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर एक्शन तभी क्यों लिया जाता है जब इस तरीके से ग्रामीण जो है वो अपने हक के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक राणा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप कवरेज के लिए पहुंचे इस रिपोर्ट के लिए, हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों का जो रोष है वो फूट पड़ा, क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का कि आखिर कब से उन्हें इसी तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा, इसी तरीके से लड़ना पड़ा है अपने हक के लिए। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, हाँ जी, पहुंचे जी, बताइए।
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी दिनों से ये परेशान है, काफी कई महीनों से पिछले कि डिपो होल्डर की मनमानी चल रही है। जो डिपो होल्डर है वो जो वहाँ गांव के मौजूद जो इसके चहेते हैं उनको नाज देता है, और जो जो वैसे बेचारे गरीब लोग हैं उनको तक नाज नहीं पहुंचता। इन्होंने ये शिकायत भी खाते पूर्ति विभाग में कर ली, सीएम विंडो में भी इन्होंने शिकायत कर ली, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई किसी तरह का इनका काम का इंक्वायरी नहीं हुई। अब जहां हमारी इस बारे में खाद्य पूर्ति से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने पिछली बार शिकायत दी थी और हमने उसकी इंक्वायरी की थी जो बिल्कुल सही पाई गई थी, अब दोबारा इसकी जो है जांच की जाएगी, अगर जो दोषी पाया गया उसको जो है उसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, शकील जी जुड़े हुए हैं। शकील जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी शकील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं कि जो डिपो होल्डर्स हैं वो अपनी मनमानी करते रहते हैं, काला बाजारी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, आप लोगों का जो हक है, जो गरीब लोगों का हक है वो खा रहे हैं डिपो होल्डर्स, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरीके से समस्याएं बनी हुई है? सर हम बताना चाहेंगे, हमारे गाँव में 10-15 सालों से ये प्रॉब्लम चली जा रही है और इसमें ये 3-4 महीने में एक बार राशन देता है, किसी को देता है और किसी को नहीं देता है। अगर इसके पास लोग लेने के लिए जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आया नहीं है या खत्म हो गया है, ऐसी बात बोलते हैं। और अगर कोई उनको धमकी देता है तो वो भी सामने से धमकी देते हैं, बोलते हैं कि जाओ मेरा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो हमने इसकी शिकायत की थी पीएम इंडो को भी की और डीएफएससी साहब को भी की थी, तो उन्होंने गाँव में इंक्वायरी भेजी है और डीसी साहब को भी दी थी जी, तो उन्होंने हमें सूचित नहीं किया जी। जी तो उसके बावजूद उसके पास फोन आ गया वहाँ से, तो उन्होंने अपने ही आदमियों की गवाही करवाई जी, हमारे एक भी एक आदमी की गवाही हुई थी जी उसमें, बाकी किसी की गवाही नहीं हुई, इसलिए वो तो उनकी गवाही तो वो लेके हक में जानी थी जी। तो इसके बाद फिर हमने दोबारा फिर आवाज उठाई, फिर इसके सीएम इंडो में 24/3/2014 को, नहीं 2015 को जी, इसका हमने रिकॉर्ड मांगा था जी इसके आरटी के द्वारा जी, तो अब तक हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला जी, 2 महीने हो गई है जी। फिर कल फिर हमने इसके खिलाफ नारेबाजी की, वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारे गांव में। लेकिन शकील जी ये समस्या 6 सालों से बनी है और शायद उससे पहले से भी ज्यादा लंबे समय से ये बनी हुई है, आप लोगों ने कितनी बार अपनी आवाज को बुलंद किया और जो इंस्पेक्टर है क्या आप लोगों ने उनसे शिकायत की, उनका क्या कुछ कहना रहता है? ये आश्वासन दे देते हैं जी भाई आपके गांव में वेरिफिकेशन आएगी ये आएगी, फिर वो किसी के हाथ पैर पकड़ लेता है इसलिए वो दबा देता है उन लोगों को जी, ये समस्या बनी रहती है। चलिए शकील जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनाज की काला बाजारी जो है वो जोरों पर चल रही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा बिल के समान अनाज वितरण नहीं करते हैं। धर्मपाल हमारे साथ जुड़े हैं, डिपो होल्डर हैं। धर्मपाल जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धर्मपाल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए लगता है संपर्क टूट गया है और हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि रोटी पर भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है और लगातार डिपो होल्डर्स जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, डिपो होल्डर्स अनाज की काला बाजारी भी करते हैं। धर्मपाल हमारे साथ जुड़े हुए डिपो होल्डर है। धर्मपाल जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी धर्मपाल जी, यहाँ शिकायत मिल रही है कि डिपो होल्डर्स जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, गरीबों का जो हक है, गरीबों का जो अनाज है वो उन्हें नहीं दिया जाता है। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है सब जी। आप क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है जी, ऐसा है गांव में मतलब दूसरा छोकरा है डीपू लेने के चक्कर में ये सारी बात कर रहा जी। चलिए धर्मपाल जी आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता विवेक राणा लगातार जुड़े हुए हैं जो हमें ये जानकारी दे रहे हैं। विवेक आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? विवेक आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विवेक आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी दोबारा पूछिए। विवेक हमारे साथ डिपो होल्डर जुड़े हुए हैं, धर्मपाल जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपो होल्डर्स किसी भी तरीके से कोई काला बाजारी नहीं कर रहे हैं, आप जरा इन्हें बताएं।
बिल्कुल आपके सामने ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। यहाँ पर कल प्रदर्शन भी उन्होंने किया है, यहाँ पर पहले भी वो शिकायत कर चुके हैं, सीएम विंडो में वो दिखा दे चुके हैं। अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो वो ये जो ग्रामीण है ये इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी उन्होंने इंक्वायरी करवाई थी, जब उनको अगर दाज नहीं मिलता, अगर उनको समय पर नाज मिल जाता है तो वो शिकायत क्यों करेंगे। धर्मपाल जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी आपके आवाज। धर्मपाल जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जानकारी दी है, साथ ही साथ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो डिपो होल्डर्स हैं वो काला बाजारी कर रहे हैं, लगातार 6 सालों से उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है। आखिर आप किस तरीके से इसे साफ इनकार कर रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा है। दूसरा ये बाल है पैजी शकील है इसका नाम छोकरे का, यू डीपो लेना चाह रहा है जी, उस डीपो के तुरंत सारा कुछ ऐसा हो रहा है जी। जी ऐसा है जी, गांव में सरपंच है, गांव के नंबरदार हैं, गांव में सारा कुछ है, पीछे भी हुई थी जी। आप शकील की बात कर रहे हैं धर्मपाल जी, लेकिन तस्वीरें तो हम पूरे गांव वासियों की दिखा रहे हैं, पूरे ग्रामीण की दिखा रहे हैं, जो एकजुट होकर इतनी कड़कती धूप में बाहर निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपने हक की मांग करते हैं, आप इसे कैसे झुठला सकते हैं? ऐसा है सर, ऐसा कुछ नहीं है जी, मतलब कहने का मतलब दूसरा छोकरा है डीपो लेना चाह रहा जी, है उसके बारे में सारा कुछ हो रहा है। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा किसी फिराक में है डिपो लेने के लिए, लेकिन हम बात ग्रामीण की कर रहे हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बाहर निकलते हैं प्रदर्शन करते हैं, आखिर वो क्यों बिना मतलब में प्रदर्शन करेंगे? मतलब ऐसा है जी, उसकी जेल लगे हुए हैं जी, वो 5-7 आदमी। धर्मपाल जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी बीच हमारे साथ एक ग्रामीण फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो, आवाज मेरी आपकी? अली जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सरदो अली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई जो हम बात कर रहे हैं, जो डिपो होल्डर्स है वो मनमानी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, जो अनाज है गरीब लोगों का वो उन्हें नहीं मिल रहा है, क्या ये बात सच है या झूठ है? हाँ मैडम जी, ये बात सच है जी, जो नाका डिपो होल्डर है जी, जो नाका डिपो होल्डर है किसी को भी जो पिक्चर कार्ड वाले नहीं दिखता जी। चलिए आप भी मानते कि ये बात सच है, धर्मपाल जी आप सुन रहे हैं? धर्मपाल जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज सुन रहा हूँ। चलिए बताइए आप क्या कुछ कहेंगे, ग्रामीण भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा है, डिपो होल्डर जो है वो काला बाजारी करते हैं, अनाज गरीबों का हक वो मार रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है जी, मैं किसी का कोई हक नहीं मार रहा जी। तो आखिर ये पूरा प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, क्या कुछ आप मानते कि आखिर गांववासी जो है, जो वहाँ के स्थानीय निवासी है, वो अपने घर से बाहर इस कड़कती धूप में आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ऐसा है जी, मतलब सारी चाल है नी, डिपो लेने की चाल है जी, डिपो लेने की चाल क्या पूरा गांव करेगा? जो हम स्टोरी दिखा रहे हैं, क्या ये झूठी स्टोरी हम दिखा रहे हैं? जो हमारे संवाददाता हम तक जानकारी पहुंचाते हैं क्या वो झूठी पहुंचाते हैं? यानी कि आप सच है, पूरा गांव जो है वो झूठ बोल रहा है? नहीं जी, कोई भी काम नहीं है ऐसा जी, सरपंच से बात कर लो, से बात कर लो जी। आप धर्मपाल जी आप मानते हैं कि वहाँ काला बाजारी हो रही है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है सर जी, मतलब काला बाजारी है और कुछ नहीं सर जी, मतलब थोड़ी डिपो की साजिश है। साजिश कैसे बता सकते हैं आप इसे, पूरा क्या पूरा गांव झूठ बोलेगा? आप एक सच बोल रहे हैं, एक तरफ पूरा गांव है, एक तरफ आप खड़े हैं, आप सच बोल रहे हैं, पूरा गांव झूठ बोल रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता जी, जो से 5-4 आदमी है जी मेरे सामने, जो सभी मेरे सामने मेरे आपने कोई मतलब कोई काम नहीं दिया तो जी मैं गुनहगार हूँ। धर्मपाल जी आपके ऊपर अब इल्जाम लग रहा है, तो आप इस तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सत्यवादी हैं और जो पूरा गांव है जो प्रदर्शन करने के लिए उतारू है, जिनके घर में रोटियां नहीं बन रही है, अनाज नहीं पहुंच रहा है, भूखे पेट उन्हें सोना पड़ता है, वो पूरा गाँव झूठ बोल रहा है? ऐसा है सर, जब मैं किसी बात का मैंने गुना कर रखा है या कुछ है तो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ जी, ऐसा है, कोई भी आदमी है नहीं मेरे। कार्रवाई तो अब की जाएगी, डीसी ने साफ साफ आश्वासन दे दिया है कि कार्रवाई अब की जाएगी, जो भी इसमें घोलमोल कर रहा है, धांधली कर रहा है, उस पर एक्शन लिया जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन साफ साफ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई यहाँ पर धांधली हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है जनाब, मतलब सारी बात घड़ी तो बना रखी इन्होंने, ये छोकरा दूसरा है डिपो लेने के चक्कर में इतनी बातें हो रही जी।
रही बात कोई भी आदमी नु विकाय देने जब मैं शुरू से लेकर अब तक आपसे सीधा सवाल मैंने ये किया कि क्या वाकई धांधली हो रही है, वाकई भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है, तो आप इसे सिरे से नकार रहे हैं। आपका साफ तौर पर कहना है कि डिपो हथियाने के लिए यहाँ पर एक साजिश चल रही है। चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, इसी पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जो हमें जानकारी पहुंचा रहे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर डिपो होल्डर जो है वो मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, धांधली हो रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्ची बनेगी बलवान। बच्चे की बेहतर बढ़ोतरी और खून की कमी को पूरा करने के लिए अधिक और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 3.5 महीने बाद पोलियो और पेंटाविलेंट लगवाना, टीके दोबारा लगने लिख ले कहीं भूल न जाना, 9वें महीने खसरा का टीका भी लगवाना, दिमागी बुखार का भी टीका उसको लगवाना, विटामिन ए भी खिलाना, अपना ही दूध पिलाना, घर की बढ़ाएगी ये शान, बच्ची बनेगी ये महान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਲਫਰ ਵ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੇ ਯੁਕਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੋ ਮੰਚ ਜੋ ਆਪਕੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਨਤਾ ਹੈ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਉਠਾਤਾ ਹੈ आपसे जुड़े मुद्दे। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। शायद दिन भर में इस तरह की कई खबरें आपके सामने आती होंगी, लेकिन क्या वजह है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं? क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए? चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। हरियाणा की जनता किस तरीके से इस मामले पर अपनी राय रखती है और किस तरीके से इस मामले को देखती है? नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डिपो होल्डर्स जो है वो गरीब लोगों का अनाज छीन रहे हैं, उनके हक की जो रोटियां हैं वो अपना पेट भर रहे हैं उससे। और लगातार हमारे साथ डिपो होल्डर धमपाल फोन लाइन पर जुड़े हैं, एक ग्रामीण भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता विवेक राणा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले अब मैं ग्रामीण के पास जाना चाहूंगी। अली जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज पहुंच रही है। अली जी, अभी हम बात कर रहे थे डिपो होल्डर से, धर्मपाल जी से, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि यहाँ पर साजिश रची जा रही है ताकि डिपो जो है वो हथिया लिया जाए। क्या वाकई ऐसी भी कोई बात सामने आ रही है? ये झूठ बोल रहे हैं, हमें कोई डिपो होल्डर का कोई मालूम नहीं है। डिपो होल्डर के हिसाब से पास होगी, जो डिपो में राशन कार्ड है उनको राशन मिलना चाहिए। जी, ये जो गांव के डिपो का राशन कार्ड है, इसका भी हक बनता है, उनको किसी को नहीं दिखता। जी
जिन आदमियों करके जो कुछ इसके आदमी उनके बिल्कुल। चलिए धर्मपाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? धर्मपाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चले, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन यहाँ पर संपर्क जो है धर्मपाल जी की तरफ से ये कह सकते हैं हम कि जानबूझकर तोड़ा गया है, क्योंकि वो लगातार सिरे से इस पूरे मामले को नकार रहे थे कि ऐसा नहीं हो रहा है, धांधली का जो पूरा मामला है डिपो होल्डर्स वो नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वो नहीं कर रहे हैं, गरीबों का हक वो नहीं मार रहे हैं। लेकिन सवाल लगातार यही बन रहा है कि आखिर क्या वजह है जो प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से, आखिर क्या वजह है कि इस कड़कती धूप में, इतनी चिलचिलाती धूप में जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और प्रदर्शन करते हैं। विवेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए। विवेक, क्या कुछ माना जाए कि यहाँ डिपो होल्डर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, साफ तौर पर उन्होंने नकार दिया कि ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, यहाँ पर साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, वो तो ये उनका तो यही कहना रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर एक अगर केले सिंह आदमी की बात करते हैं, कहीं कहीं माना जाता है कि वो ऐसी बात हो सकती है, पर यहाँ तो पूरा गांव। बिल्कुल, चलिए विवेक, आपको रोकना चाहूंगी। महेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, जो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। चलिए, संपर्क हमारा टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सच्चाई है पर्दे के पीछे की, जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आ पाए, लेकिन जो अधिकारी हैं वो बात करने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहे हैं, ताकि जो उनका सच है वो सबके सामने ना आ जाए। लेकिन लगातार हम ये आवाज उठाते रहे हैं, गरीबों का जो हक है वो मारा जा रहा है, जो डिपो होल्डर्स हैं वो लगातार यहाँ पर अपनी मनमानी करते हैं, गरीबों का हक वो छीनते हैं। विवेक, क्या कुछ माना जाए, अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो संपर्क तोड़ रहे हैं। विवेक, आप आवाज सुन पा रहे हैं? क्या कुछ माना जाए विवेक, क्योंकि अधिकारी जो है उन्हें हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो उनका सच है पर्दे के पीछे जो छिपा हुआ है, कहीं वो सबके सामने ना आ जाए। बिल्कुल, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं अधिकारी की मिली भगत से ही इस तरह के जो डिपो होल्डर है कार्य कर पाते हैं, क्योंकि अधिकारी को पता होता है वो अगर पकड़ना चाहे तो उसको पकड़ सकता है, क्योंकि जो जो रजिस्टर है, कागज है, अनाज का जो पूरा रिकॉर्ड होता है, कहाँ से आया, कितना आया, किन किन बना, हर तरह से इनको एक सूची बना के रखती है कि इनके अंगूठे, दस्तक, साइन जो है कस्टमर के होने चाहिए। अगर अधिकारी चाहे तो इनको एक मिनट में पकड़ सकता है। अगर कहीं माना जाता है कि अधिकारी इनके साथ मिले होते हैं, डिपोर्टर साहब, जो इस तरह से ये दादली कर पाते हैं। जी बिल्कुल विवेक, और हमारे साथ एक ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। अली जी, क्या कुछ माना जाए, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 6 साल से पहले की भी ये समस्या बनी हुई है, आप लोग आवाज उठाते हैं, इंस्पेक्टर तक पहुंचते हैं, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि समस्या हल कर दी जाएगी, एक्शन ले लिया जाएगा। आश्वासन देते हैं, करता कोई नहीं है। अभी एक बार कोई जवाब नहीं लग रही। बिल्कुल, चलिए चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। हरविंदर हमारे साथ जुड़े हैं, जो विधायक हैं। हरविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी, धन्यवाद। हरविंदर जी, बात हम कर रहे हैं डिपो होल्डर्स की, जो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, गरीबों का हक वो छीन रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? देखिए, कोई अगर कहीं की कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई कंप्लेंट आएगी तो बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हरविंदर जी, क्या अब तक आपके पास किसी भी तरीके से कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची? नहीं, मेरे पास जब भी कोई कंप्लेंट आई है तभी मैंने तो अधिकारियों को उसी वक्त ये निर्देश दिया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेकिन अभी इस मामले की जो हम बात करें, क्या इसकी आपको जानकारी है, क्या कोई शिकायत आप तक पहुंची है? कौन से गांव की है ये हम बात करें? घरौंडा की, जहां पर जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं, वो उनका साफ तौर पर कहना है कि डिपो होल्डर जो है वो मनमानी करते हैं, उनका हक वो छीन रहे हैं। मैं इस बात का संज्ञान लेते हुए आज अधिकारियों से बात करूंगा और कहां की शिकायत है ये भी पता करके अगर कहीं कोई दोषी पाया गया उसके खिलाफ। लेकिन हरविंदर जी, आपने आश्वासन यहां पर दे दिया है, लेकिन लास्ट में मेरा सवाल यही है कि आखिर जब ये मीडिया ये पूरा मुद्दा उठाता है, मामला उठाता है, आखिर तभी क्यों एक्शन लिया जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो काम हम रूटीन में करते हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाईलाइट होती है, बहुत से ऐसे भी मुद्दे हैं जो हाईलाइट नहीं होते मगर उस पर भी हम काम करते हैं। अगर मीडिया में कोई बात आती है तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उससे सभी को पता चलता है और एक जागरूकता भी लोगों के अंदर आती है। बिल्कुल, चलिए हरविंदर जी, तो मान लिया जाए कि अब आप एक्शन लेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं का कोई भी इस तरह से संबंधित
कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त सजा जो है वो एक्शन लिया जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस आश्वासन के लिए भी। और विवेक हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ बहुत शुक्रिया उनका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो यहाँ पर आज हमने स्पेशल रिपोर्ट में बात की कि जिस तरीके से घरौंडा में जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 6 साल से ये समस्या जो है जस की तस बनी हुई है कि डिपो होल्डर जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, गरीबों का हक वो छीन रहे हैं। लेकिन विधायक साहब ने यहां पर आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।